आज हमें माँ कालीकोट मंदिर मेला प्रांगण में, जहाँ पर यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति स्थापना की जा रही है, यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, लेकिन भैरव बाबा की नहीं थी, तो तिवारी बाबा नाम से प्रसिद्ध बाबा जी ने यहाँ भैरव बाबा की स्थापना करवाई। यह एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर सभी के सहयोग से बाबा जी ने मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया। और मंदिर हम आपको दिखा दें, ये मंदिर स्थापित हो गया है, अब इसमें मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा जी से जानकारी लेंगे ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होंगे। साथ में यहाँ पर संत शिरोमणि बैठे हुए हैं, विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, ज़्यादातर संत यहाँ दिख रहे हैं, जो मेन हैं उनसे हम बात करेंगे। मंडल निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, अब जिला कार्यकारी सदस्य बीजेपी हैं आप, और हमारे बाबा जी जो इस मंदिर का स्थापना करवाए, अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है भैरव बाबा की। बाबा जी अपना परिचय देते हुए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम तो माधव राज शुक्ल उर्फ तिवारी बाबा है। 23 वर्ष से मैं यहाँ महात्माओं का भंडारा चला रहा हूँ, 12 वर्ष लगातार रहा हूँ, और मंदिर का शिलान्यास हो गया था, काफी बढ़िया पड़ा था, आए तो बहुत लोग लेकिन उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। और माता जी की जी का दर्शन, भैरव दर्शन बिना अधूरा है। संकल्प हो गया था, चलता रहा, अवसर आया है तो बाबा जी कितने दिन का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर? ये अभी चलेगा 17 तारीख। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम इसमें आज जलाभिषेक होने जा रहा है जी, और कल अन्नाभिषेक होगा जी, फिर फलाभिषेक होगा जी, दुग्ध अभिषेक होगा, और फिर वस्त्र अभिषेक। यानी कि एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने में काफी मतलब पूजा पाठ होता है? हाँ हाँ, काफी पूजा पाठ होता है, 5 दिन निरंतर पूजा करेगी, फिर 6ठे दिन पूर्णाहुति और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर कथा भागवत का भी आयोजन किया जाएगा? हाँ हाँ, कथा 6 बजे से 10:30 बजे तक प्रतिदिन राम कथा चलती है, और बहुत पावन कथा कहते हैं। अयोध्या से आए हुए आचार्य लोग और बनारस से बड़ी अच्छी मार्मिक कथा कहते हैं, जनता भी मुग्ध होती है और अच्छा पूजा पाठ चल रहा है। तो आपको हम बाबा जी से बात करवा रहे थे, बाबा जी ने जो बताया वो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। बाबा जी, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है प्रतिमा की, क्या उसमें प्राण वास्तविकता में आते हैं? बिल्कुल, जिज्ञात्मा तो प्रविष्ट होती ही जी। तो अक्सर हम आपसे बताते रहते हैं, वही बात बाबा जी बता रहे हैं, और तिवारी जी हैं, तिवारी जी से हम बात करेंगे। तिवारी जी, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आपके क्षेत्र में, तो कितने दर्शक आपके, कितने भक्त यहाँ पर कथा भागवत सुनने आते हैं? कम से कम 1000 की संख्या जी, कम थी जी, महिला और पुरुष मिला करके जी। जो पहला कार्यक्रम था वो हमारा कलश यात्रा का था, तो उस कलश यात्रा को हमारे बनारस से और अयोध्या से आए हुए आचार्यों ने यहाँ पे पूजा पाठ करा करके, संकल्प करा करके, गिरजा बैराज पर जा करके, नदी से जल भरवा करके, और फिर कलश वापस यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के पास लाई गई, और शाम को बनारस से आए हुए हमारे चतुर्वेदी जी ने रामचरितमानस पर उन्होंने चर्चा की और कथा सुनाई, और अच्छे वक्ता है, और उन्होंने रामचरित पर उनका अपना कंठस्थ है, और अच्छी बात है, उन्होंने विचार रखे और इसी तरीके से प्रतिदिन वो विचार रखेंगे। कितने दिन का पूजा, ये मतलब कथा का आयोजन किया जाएगा? ये 17 तारीख तक चलेगा, और जनमानस
और श्रद्धालु भक्तगण यहाँ के लोग चाहेंगे तो ये कथा और बढ़ाई जा सकती है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ दैविक पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता के दर्शन अधूरे होते हैं, क्योंकि जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तब भी हमें भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, और यहाँ पर सभी देवियों की प्रतिमा स्थापित है, तो बाबा जी के हृदय में ये उद्गार उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर भैरव बाबा का एक मंदिर स्थापित होना चाहिए। क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग किया, खासकर तिवारी जी ने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी मदद किया, जिससे आज बाबा की जो मंशा थी, भैरव बाबा की जो स्थापना थी, उसका कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। क्षेत्र के सभी श्रद्धालु यहाँ 17 तारीख तक रामचरितमानस की कथा सुन सकते हैं और भंडारे का प्रसाद पान कर सकते हैं।